भी आज भी ओबीसी की जो कुछ खास जातियां हैं, जाट हैं, यादव हैं, गुजर हैं, अपने आप को क्षत्रिय मानती हैं और वो स्वयं मूल निवासी ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार करती हैं। नहीं, वो अपने को ब्राह्मण मानती हैं जी। अब उनको समय समय पर ब्राह्मण उनकी टाइट भी करते हैं चूड़ी। हमारे जो 10% के समाज हैं वही हमारे बच्चों को पाखंड में फंसा कर, धर्म के उलझन में फंसा करके उन हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। आज दिल्ली में मंडल आर्मी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य है हम अपनी जनगणना कराएंगे। ओबीसी जनगणना को लेकर ये कार्यक्रम है। आइए जानते हैं, ओबीसी जनगणना कई वर्षों से इसकी मांग चली आ रही है लेकिन सरकारें हैं कि इसके प्रति उदासीन है। सर परिचय दीजिए और बताइए हमारे दर्शकों को क्यों सरकारें नहीं चाहती हैं आप लोगों की जनगणना। हम इस देश में 135 करोड़ के देश में जी, हम लोग 90% का समाज जी, आज तक के भारत के आज़ादी के इतिहास में कभी भी 90% समाज के साथ कभी भी न्याय नहीं हुआ और उसके पीछे बहुत सारे हथकंडे हैं। कास्ट सेंसस है, कास्ट सेंसस की मांग हम करते हैं। कास्ट सेंसस अगर हो जाती है तो उसमें हमें पता चलेगा कि हमें हकमारी कहाँ कहाँ हो रही है, चाहे न्याय के अंदर हो चाहे। अच्छा, कास्ट सेंसर की जरूरत क्यों? आप तो बहुसंख्यक है, हिंदू में आते हैं, आपको जरूरत क्या है? बहुसंख्यक का मतलब ये नहीं है कि आप 10% समाज की बात करते हैं। बहुसंख्यक का मतलब होता है कि जो 90% का समाज है हमारा, उसको हम बहुसंख्यक कहते हैं। कांवड़ लेने जा रहे हैं बच्चे, मंदिर बन गया, 370 हट गई जिसकी डिमांड आपकी कई वर्षों से थी, अब और क्या जरूरत है? यही तो हमारे जो 10% के समाज है वही हमारे बच्चों को पाखंड में फंसा कर, धर्म के उलझन में फंसा करके उन हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। सिर्फ इसी विडंबना यही है कि हमारे समाज जो हमारा समाज वो इसी सब चीज़ में लिप्त है और पढ़ाई से बहुत दूर हो रहा है। अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो उनके कभी कांवड़ लाने वाले बहुत कम होते हैं लेकिन हमारे जो होते हैं ज़्यादातर ये चीज़ होते हैं। उनका यही है कि उनको अभी इस चीज़ का नॉलेज नहीं कि हमारी हकमारी कहाँ कहाँ हो रही है। आशा जी, धर्म की चाशनी से युवाओं को निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकाल पाएंगे? उसके लिए एजुकेशन जरूरी है जी। और एजुकेशन के लिए कांवड़ यात्रा छोड़नी पड़ेगी। एजुकेशन का मतलब डिग्री लेना नहीं है जी, एजुकेशन का मतलब है समाज का ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक शिक्षा होनी चाहिए उनके पास जी। समाज में कैसे हमें अपने भाईचारा पैदा करना है जी। कैसे यहाँ की एक्चुअली क्या है, जो बहुजन समाज है या बहुसंख्यक समाज है जी, जो अपने आप को 90% कह रहा है वो भटका हुआ है जी। उन्हें पता ही नहीं है कि हम हिंदू ही नहीं है जी। हम हिंदू नहीं ये, है। ये तो 1930-31-32 में बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में कह गए थे, पढ़ेंगे तो ना जानेंगे। हम हिंदू नहीं है क्योंकि जब साइमन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी थी कि भाई तुम लोगों की अपनी अपनी जातियों के बारे में रिपोर्ट सबमिट करें, तो जब रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे तो SC ST के पास डाटा था, उन्होंने अपना सारा दे दिया। OBC के पास डाटा नहीं था क्योंकि OBC ने अपने नाम के पीछे राजवंशी ये सब लगा रखे थे, तो इस दिक्कत में वहाँ दिक्कत आ रही थी, इसलिए वो इनको जो ये जो रिजर्वेशन। आज भी OBC की जो कुछ खास जातियाँ हैं, जाट हैं, यादव हैं, गुजर हैं, अपने आप को क्षत्रिय मानती हैं और वो स्वयं मूल निवासी ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार करती हैं। नहीं, वो अपने को ब्राह्मण मानती हैं जी। अब उनको समय समय पर ब्राह्मण उनकी टाइट भी करते हैं चूड़ी। उनको ब्राह्मणपन छोड़ना पड़ेगा जी। और बहुजन भर के हम पहले तो इंसान हैं जी। और हमारी भारतवर्ष की जो मूल समस्या है जी, वो यहाँ की जाति की ऊंच नीच की व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को नष्ट करना पड़ेगा। सोच बदलनी पड़ेगी, जब तक सोच नहीं बदलोगे ये पाखंडवाद अंधविश्वास कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए सर सोच बदलनी होगी, शिक्षा ग्रहण करनी होगी, मैडम का ये कहना है, खासकर OBC समाज के लिए मैडम ने कहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोच बदलनी पड़ेगी। हमारी 1931 की जनसंख्या जब जनगणना हुआ था उसमें 52% OBC थे, लेकिन 1931 के बाद आज 90 साल के बाद हम 62% से ऊपर हैं जी। और अगर हमारी सोच हमारे से ये देश की सरकारें बनती हैं, राज्य की सरकारें बनती है, लेकिन हमें हर जगह इग्नोर किया जाता है, इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मंडल का विरोध भी तो OBC करता है। नहीं, विरोध जो OBC करता है वो भटके हुए लोग हैं, जो असली लोग हैं वो OBC का विरोध नहीं करता। कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी थी, इतने 7 दशक हो गए आपने उस OBC समाज को समझाया नहीं। आप देखिए तरह तरह के हथकंडे सरकार द्वारा अपनाई जाती है,
और 27% जो रिजर्वेशन है अभी तक हम 7% पर भी नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है, 7% पे भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो हमारे देश की विडंबना है, कहाँ लागू हुआ है, सरकार कहाँ है इसकी नज़र। तो हम लोग जब तक जागेंगे नहीं तब तक हमारा अधिकार नहीं मिल सकता है, इसीलिए हम लोग जातिगत जनगणना हो या कोई भी चीज़ का है, हम अपना न्याय, जो सामाजिक न्याय मिशन है हमारा, उस पर, उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और देश को जागृत करने का। पेरियार, छोटू राम जी, लालाई सिंह यादव, इन सबको पढ़ाने का काम कौन करेगा? हम सब करेंगे, हम सब युवा साथी करेंगे, हम सब जितने भी लोग हैं हम सब उनके अनुयायी हैं। और कौन कहता है कि भगत सिंह पैदा नहीं होता है? पैदा होता है, सिर्फ नाम बदल जाता है। तो हम उस क्रांतिकारी साथी हैं, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन अधिकार सरकार इनको देने के पक्ष में नहीं है। हमारे साथ हमारे बड़े ही बुजुर्ग और सम्मानित साथी हैं। भाऊजी नाम बताइए अपना। रामेश्वर लाल सेवार्थी, राजस्थान से। राजस्थान से आए? जी हाँ। देखिए, राजस्थान से आए हैं और अपनी हकमारी, जो सरकार इनकी हकमारी कर रही है उसके लिए इतनी इस अवस्था में भी राजस्थान से आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं 91 का हो गया हूँ जी, और आज़ादी के टाइम मैंने पहरेदारी की है। अच्छा। 17 साल का था जी, और हमने जो सपना देखा था आज़ाद भारत का, स्वतंत्र भारत का, वो आज 70-75 साल में जो नक्शा देखने के बाद में मेरे जैसे आदमी को पीड़ा हो रही है कि देश कहाँ होना चाहिए था, देश का समाज का स्तर कितना ऊंचा होना चाहिए था, उसका आकलन अगर करते हैं तो कितना आगे बढ़े हैं या पीछे गए हैं। आपको क्या लगता है, आगे बढ़े पीछे गए? हम दिखावटी रूप में चंद लोग जो है ना देश को लूट करके अरबपति खरबपति हो गए और उनसे आकलन कर रहे हैं, जबकि 80% देश बिलो पॉवर्टी में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी देश के लिए, जो देश को कहें, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, अरे शर्म से कहो कि हमने भारत को कहाँ पहुँचा दिया। कमी किसकी है? कमी जनजागृति की है और SC ST OBC समाज की है। जी नहीं है, आपके नहीं है, आपके कंधों पर अपने युवाओं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अपने आप को मुल्जिम मानता हूँ कि हमने इन 72 साल में क्या खोया, क्या पाया, ये आज तक आंकलन नहीं किया है। जबकि एक व्यापारी महीने की महीने अपना हिसाब जोड़ता है, 12 महीने से अपना घाटा नफा निकालता है, लेकिन हम SC ST OBC के लोग 70 साल बाद में भी हमने अभी तक आंकड़े नहीं निकाले कि हमने क्या पाया और क्या खोया। जी, जी। क्योंकि सर्विस क्लास जो है उसकी उम्र 30 साल की होती है। जी। पहले 30 साल हमारे बट्टे खाते में गए, क्यों? हम शिक्षित नहीं थे। जी। दूसरी पीढ़ी में हम जब शिक्षित हुए तो कुछ होश संभाला, और तीसरी में सब तरह के प्राइवेट, निजी करके भ्रमित करके और SC ST OBC को रसातल में पहुँचा दिया। जी। आज SC ST OBC कुल जनसंख्या का 95% हिस्सा है और 5% तथाकथित जो अपने आप को फॉरवर्ड मानते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि पूना पैक्ट जो हुआ उसको हमने सही संदर्भ में समझा ही नहीं। पूना पैक्ट जो हुआ है वो डिफरेंस क्लास वर्सेस अपर क्लास के बीच में हुआ, मानी दो वर्गों के बीच में हुआ, दो समाजों के बीच में हुआ। आज एक समाज कहाँ है, पूरी देश के ऊपर कब्जा किए बैठा है, और 95% समाज है ना वो सड़कों पे है, चाहे किसान के नाम से, चाहे मजदूर के नाम से। क्या करना चाहिए? देश को जागरूक होना चाहिए, और ये जो OBC ST ST समाज अपना हक अधिकार नहीं समझेगा कि हमने अपना हिसाब नहीं लगाया, जैसे भरमाते थे कि आपका SC खा रहा है, आपका ST, अरे तो आंकड़े पड़े हैं, अब तो अंधेरा नहीं रहा। सबके कास्ट सर्टिफिकेट बने हुए हैं, सबका रिजर्वेशन बटा हुआ, कैसे खा लेगा एक दूसरे का कोई? मेरी बात सुनिए, जो वर्गीय आधार पर हमारा व्यक्ति का रिजर्वेशन नहीं है, जी जी, वर्ग का है, और वर्गीय आधार पर हमारी जो जनगणना हुई है, जो सेंसेस हुआ है, उससे शेड्यूल्ड कास्ट की अभी सर्विस पूरी नहीं हुई है, ट्राइब्स की नहीं हुई है, और OBC तो दुर्भाग्य है 65% हो गया, अभी 7% भारतीय स्तर पर नहीं आए हैं, और आपस में भोलापने से गुजर, खाती, सुनार, अरे तो ये भारत तो जातियों का देश है, अगर जाति शब्द भारत का नाम ही नहीं रहेगा। जाति प्रधान देश है और जातियों की अगर जनगणना नहीं करेंगे, जाति तो आपके सूत्रों में ही है। मैं क्या सब... है? ब्राह्मण में जाति कहाँ है? मैं क्या कह रहा हूँ? क्षत्रिय में जाति कहाँ? मैं क्या निवेदन कर रहा हूँ? यही मैं कह रहा हूँ। कैसे कह रहे हो जाति प्रधान देश है? मैं क्या कह रहा हूँ? अम्बेडकर कह रहे हैं जाति खत्म करो, आप कह रहे हैं जाति। मैं क्या कह रहा हूँ? बाबा साहब ने 36 में कहा था कि जाति तोड़ो देश बचाओ,
लेकिन आपने कोशिश करी, लेकिन आज ने आज हम जाति तोड़ने के बजाय बढ़ाई है घटाई नहीं है। नहीं आप कह रहे हो जाति प्रधान देश, जाति प्रधान देश नहीं, नहीं ब्राह्मणों में जाति नहीं है, क्षत्रियों में जाति नहीं है, वैश्यों में जाति नहीं है, हम शूद्रों में जाति भर रखी है। मैं क्या कह रहा हूँ, 5% लोग हैं जो वर्ग प्रसार व्यवस्था है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, बाकी 65% जो ओबीसी डिफरेंस क्लास है वो हम तो जाति प्रधान व्यवस्था के ही जीव बने हुए हैं। वर्ग अगर वर्ग व्यवस्था के होते तो आज हम राज करते, सड़कों पर नहीं रहते। तोड़ते क्यों नहीं जातियों को, तोड़ने की? अब आप जैसे जो है ना जागरूक लोग हो रहे हैं, हम जैसे तो अब किनारे पे हैं, फिर भी हिम्मत करते हैं कि आखिर हमारा सपना पूरा होगा और SC ST OBC अपना अधिकार लेके रहेगी और जनगणना अगर नहीं कराएंगे तो इससे बड़ा धोखा देश के साथ क्या होगा, जिनको यही पता नहीं है कि हमारे देश में हम कितने। जिसको जनगणना का ज्ञान नहीं है वो देश की योजना कैसे बना सकता है, देश की स्कीम कैसे बना सकते, विकास कैसे कर सकता है। 90 वर्षीय हमें अक्सर टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। आज अनायास ही मुझे लगता है कि 90 वर्ष के बूढ़े या 90 वर्ष के जवान इतनी इस उम्र में राजस्थान से चलकर दिल्ली पहुंचे हैं अपने हक हकूक के लिए। दिल्ली के अनुसूचित SC ST OBC समाज के जो लोग हैं उन्हें डूब मरना चाहिए, जो अपने घरों में बैठे हैं कम से कम बाहर निकलें, ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बने और अपने हक हकूक की लड़ाई को पहचाने। मैं हूँ आज दिल्ली से अपने सहयोगी चंचल सिंह के साथ, समता आवाज टीवी और VTV के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।